सब आ गए दाना खाने के लिए। 90% मेरे ख्याल से हो गया है उसका, अभी अंडे ही हैं बच्चे। सीरेंज में खाना लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर मछली है, पहले मछली के लिए थोड़ा दाना डाल देते हैं। कैसे खाने आ गए सब आ गए दाना खाने के लिए। वैसे तो हमारे कॉकटेल के बच्चे भी भूखे हो गए, इनको भी कुछ खा देते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। भाई दोनों उड़ गए, दोनों के दोनों उड़ गए। यहाँ बैठा है और एक पता नहीं ताजी पे बैठी है। उड़ना तो सीख गया है लेकिन सही एम नहीं आया अब तक। इसमें कुछ रात का क्लिप है वो आपको शेयर कर दूँगा, ऐसे चला देता हूँ भूखे हो गए। ऐसे जब भूखे हों तब इनको ट्रेनिंग कराना चाहिए। देखो कितना भूखा है, खाना मांग रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा ये ट्रेन हो गया है, जब मैं बुलाता हूँ तो उड़ कर आता है। देखो आएगा, देखो थोड़ा थोड़ा अभी ऊपर नीचे होता है लेकिन धीरे धीरे फ्लाई करना सीख जाएगा। इसका एम अभी सही नहीं हुआ है, सही फ्लाई करता है। मैं इसको खाने के लिए थोड़ा सा देता हूँ, फिर इसको बुलाएंगे। ये मेरा पहली बार है कॉकटेल को ट्रेनिंग का। इनका हो गया खाना, इनको थोड़ा टाइम धूप में लेके जाते हैं। और हमारे फिश जो थे उनका भी सारा दाना जो है ख़त्म कर दिए हैं वो। ये हमारा जो बड़ा वाला किंग है ये उड़ जाता है, इसको पहले पकड़ लेंगे। कुछ टाइम में ये धूप में रहेंगे तो इनका जो फेदर सॉफ्ट हुआ है वो हार्ड हो जाएगा धूप में रहने की वजह से, क्योंकि उनका फ्लाइंग का टाइम आ रहा है। और यहाँ पर देखें ये चेरी, आ जाओ चेरी, चेरी को भी अंदर छोड़ जाते हैं। ऐसे देखो आवाज़ निकालते हैं, ये बाहर नहीं आ रहा, वही अंदर ही रहो। और ये देखें हमारा मैंगो इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह से। देखें इनका विंग्स भी आ गया ऊपर, देखो हल्का हल्का सा फेदर भी आ गया है। पहले जो हम लेकर आए हैं आप कंपेयर कर सकते हो कितना कम था, और अब ये 90% मेरे ख्याल से हो गया है उसका फेदर, और थोड़ा बहुत है निकल आएगा। और ये भी बहुत जल्द अपना फ्लाइंग करेगा हेलीकॉप्टर के साथ। जाओ आप इनको लॉक कर देंगे। आप हे दोस्तों कैसे आप सब? दोस्तों दो तीन दिन हो जाएगा ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज ही लेकर आया हूँ हमारे बर्ड्स के लिए ये ब्रेड है, यहाँ पर बॉयल्ड सोयाबीन और ये बीन्स का छोटा छोटा पीसेस। ये हमारे कॉकटेल इस तरह बैठे हुए हैं तो अब हम इनको खाना दे देते हैं। पहले चेक करते हैं हमारे जो लॉबर्ड हैं रोज़ी रोज़ी और डार्जी, उनका ब्रीडिंग प्रोग्रेस क्या है अभी। अभी अंडे ही हैं, बच्चे नहीं आए, फीमेल अंडे को बैठी हुई थी, इनको ऐसे बैठे देते हैं। अभी भूखे हो गए होंगे। देखो यहाँ पर बुलबुल आ गया खाने के लिए, लेकर चला गया, और फिंचेस भी आ गए। ये मैं जो ब्रेड लेकर आया हूँ तो ये ब्रेड भीगा हुआ ब्रेड ज़्यादातर हमारे फिंचेस जो बच्चे निकाले हैं ना तो उनको देनी है। और यहाँ पर देखें हमारे जो लॉन्ग टेल हैं वो भी अंडे दे दिए हैं। मैं कल अंडा चेक किया था उसमें से अंडा फर्टाइल है एक, और देखें बुलबुल किस तरह से डायरेक्ट अंडा ले लेते हैं ऐसे करके। सोयाबीन खा रहा है,
ये देखें खा लिया। अब कॉकटेल भी आ गई तो हम प्रॉपर इनके लिए अलग करके इनको खाने दे देता हूँ। हम बजीस को दे देते हैं। यहाँ देखें बुलबुल को कितने करीब आ जाते हैं जब खाना उनको देने का होता है। देखें कितने बड़े हो गए माशाल्लाह से, बहुत छोटे थे जब मैं लेकर आया था इनको। और आप देखें साइज़ में उनके चीक में रेड कलर आ गया, देखो यहाँ पर, और उनका सर में जो कॉकटेल की तरह ताज आया है, देखो हवा से उड़ता रहता है, बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे आबियर में सबसे यूनिक चीज़ मेरे को यही लगता है कि बुलबुल को रखें हम, क्योंकि बुलबुल जो है टेम इतना नहीं होते हैं, बहुत जंगली होते हैं वो, अगर आप ला कर रखोगे तो वो खाएंगे भी नहीं। तो ये लेकिन बचपन से यहीं पर रहे हैं, इनका कोई खाने की परेशानी नहीं है, खुद अपना खाना जो है मैं इनको देता हूँ, फिंचेस को जो खाना वही खा लेते हैं वो। अब देते हैं ये फिंचेस को, इनको वैसे ही खाने देते हैं। अब यहाँ पर देखें फिंचेस सब आ गए हैं, इनको यहाँ पर रख देते हैं, सारे बर्ड्स खा देंगे। सारा सा सॉफ्ट वॉक था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है देख सकते हो आप, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बजीस का बचा हुआ है। अब हम इनको थोड़ा पानी दे देते हैं। कबूतर घर काम चला हुआ है, ऑलमोस्ट उसका डोर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर लॉक लगेगा, ठीक है, और ये देखें ऐसे खुलेगा और फिर बंद हो जाएगा, ये फ्रेम लग गया है, ठीक। और अब इसके अंदर जाएगा ऐसे ऐसे अच्छे से फिट होने के बाद वहाँ से लॉक कर देंगे, फिर ऐसे यहाँ से ऐसा ऑन ऑफ होएगा। अभी और भी काम है। कबूतर के लिए जो दरबा था वो मैंने तैयार कर लिया, कल शाम हो गया इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। तो ये अब कबूतर को खोलते हैं इसके अंदर, इसके लिए एक फीमेल लेकर आना है बस, और नीचे और एक केज खाली है वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। मैं इसके लिए पानी लेकर आया हूँ, यहाँ रख देते हैं। इस तरफ दाना रख दिया हूँ, खा लिया, अब इसको बंद करते हैं। दोस्तों अभी टाइम हो गया 3:30, शाम मुँह ढलने आ गया क्योंकि सर्दी का दिन है, जल्दी शाम हो जाता है, तो इसलिए हम इससे पहले धूप चला जाए इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। हमारा जो पिजन्स का केस था उसका नीचे देखो कॉकटेल के बच्चे को छोड़ दिया हूँ और कहीं नहीं डाल दिया हूँ, ये धीरे धीरे उठा रहे हैं, खाना सीख जाएंगे। क्योंकि हमारे जिस जगह पर रहते हैं, इस जगह पर रहते हैं, ये गंदा हो गया, यहाँ पर दाना नहीं डाल सकते, तो इसी वजह से मैं यहाँ रख दिया हूँ। आपको कमेंट करके बताना है, मैंने ये बहुत सस्ते में बनाया है केज पिजन्स के लिए। तो खैर दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना और नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।